आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ माइनर पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए कोई भी एज का लिमिट नहीं होता है। माइनर पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो वीडियो डाले आप सबसे पहले देख पाए। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी मोबाइल या डेस्कटॉप के ब्राउजर ओपन करेंगे, ब्राउजर में टाइप करेंगे NSDL, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं NSDL टाइप करके आपको सर्च आइकन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको दूसरा लिंक मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं NSDL ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार पे दे रखा है। NSDL ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं एप्लीकेशन टाइप, आपको एप्लीकेशन टाइप पर जो भी आपको न्यू पेन इंडियन सिटीजन 49 ए पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यू पेन इंडियन सिटीजन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कैटेगरी चॉइस करेंगे इंडिविजुअल, काफी सारा कैटेगरी है, आपको कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल को क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे इसको डन करेंगे, आप यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका टाइटल है श्री श्रीमती कुमारी आप एक टाइटल सिलेक्ट करेंगे। टाइटल सिलेक्ट करने में आपको जो भी आपका लास्ट नेम टाइप करेंगे, फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, मिडिल नेम है तो टाइप करेंगे, मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आपको ईमेल आईडी टाइप करेंगे, एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे इसको डन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में टिक मार करेंगे, टिक मार करने के बाद आपको सबसे नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा को फिल करेंगे, जो भी लिखा हुआ है सेम सेम, उसके बाद आपको सबमिट आइकन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा, टोकन नंबर को कॉपी करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, सबसे नीचे इसको डन करेंगे, कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन ब्लैंक रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप पेन एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट के साथ आपको NSDL के एड्रेस पर आपको फिजिकली सेंड करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे ऑलरेडी टिक है, आपको दोनों को टिक मार नहीं कर सकते, उसके बाद आपको सबसे नीचे इसको डन करेंगे। इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा येस नो करने का, अगर आप येस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंडिया पोस्ट द्वारा भी आपको पैन कार्ड भेज दिया जाएगा, ईमेल पर भी आपका पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। जैसे कि आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपको ओनली ई पैन कार्ड भेजा जाएगा, जो भी आपका ईमेल पर। अगर आप येस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोनों पैन कार्ड भेजा जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे येस पर क्लिक करता हूँ, जिस भी बच्चे का आप पैन कार्ड बना रहे उस बच्चे का आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर का लास्ट का 4 डिजिट टाइप करेंगे। अगर आप बच्चे का आधार कार्ड नहीं तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि बिना आधार कार्ड से भी बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे नेम आस पर आधार, जो भी आधार कार्ड में नेम है आपको फुल नेम को टाइप करेंगे बच्चे का अगर है तो। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपको नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, अगर कुछ मिस्टेक लगता है तो आपको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपको पैन कार्ड पे नेम आएगा आपको ये नेम शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे इसको डन करेंगे, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको सबसे नीचे आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर को उसको ब्लैंक छोड़ेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे आपको पूछा जा रहा है कि आपके दूसरे नाम भी, तो आपको यहाँ पे नो पर क्लिक रहने दे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे आपको फादर का नेम चाहिए पैन कार्ड पर या मदर का नेम चाहिए, जैसे कि येस पर क्लिक करेंगे तो आपको मदर का नेम आपको फिल करना होगा, फादर का नेम आपको यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे मदर का नेम स्टार मार्क दिख रहा है, तो मदर का जो भी आपको लास्ट नेम फर्स्ट नेम आपको टाइप करके नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आपको पैन कार्ड पर फादर का नेम चाहिए तो आपको यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे, जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मेरे केस में मुझे पैन कार्ड पर फादर का नेम चाहिए तो यहाँ पे नो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपका फादर का जो भी आपको सरनेम है टाइप करेंगे, लास्ट नेम, उसके बाद आपको फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, उसके बाद आपको मिडिल नेम को है तो टाइप करेंगे, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मदर का नेम को मैंडेटरी नहीं, इसको ऑप्शनल है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं फादर का नेम आपको पैन कार्ड पर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे टिक मार फादर का नेम पे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे इनकम सोर्स आपको पूछा जा रहा है, आपको नो इनकम पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे नो इनकम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सबसे नीचे इसको डन करेंगे, आपको रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सबसे नीचे इसको डन करेंगे, आपको यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस पूरा डालेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है आपको कंप्लीट एड्रेस टाइप करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपका ब्लॉक नंबर है, उसके बाद आपको विलेज नेम है, उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस का नेम है, उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट का नेम है, सिटी आपको टाइप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री भी आपको सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका कंट्री है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे कंट्री के नेम में जो भी आपका इंडिया है, जैसे कि मेरे केस में इंडिया, तो मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इंडिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपको स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपका स्टेट है आपको स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको पिन कोड टाइप करेंगे, जिप कोड को बिलिंग छोड़ेंगे, उसके बाद आपको पूरा एड्रेस को मेंशन करके सबसे नीचे इसको डन करेंगे, उसके बाद आपको ऑफिस एड्रेस को बिलिंग छोड़ेंगे, जो भी आपको ऑफिस एड्रेस को बिलिंग छोड़ देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे टेलीफोन मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे क्या करेंगे कंट्री कोड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे कंट्री कोड में जो भी
आपको इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया को आपको यहाँ पे टाइप करेंगे, आपका इंडिया आ जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करेंगे, आपका कंट्री कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको एरिया कोड को ब्लैंक छोड़ेंगे, उसके बाद आपको टेलीफोन जो भी आपका मोबाइल नंबर आपको शो हो जाएगा, मोबाइल नंबर को आप बदलना चाहते हो तो बदल सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे इस वाले कॉलम में आपको यस पर क्लिक करेंगे, ताकि आप माइनर पैन कार्ड बना रहे तो आपको यहाँ पे देख पर यस का बटन है, आपको यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप मेजर पैन कार्ड बना तो नो पर क्लिक करेंगे। हम आज माइनर पैन कार्ड बना रहे तो इसलिए मैंने यस पर क्लिक किया। उसके बाद आपको सबसे नीचे इसको डाउन करेंगे, जो भी बच्चे का पैन कार्ड बना रहे उसी बच्चे का जो भी आपका माता या पिता का आपको पूरा एड्रेस है, उसके बाद आपको नाम वगैरह फिल करना होगा। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल फिल करना होगा। सबसे पहले आपको टाइटल सिलेक्ट करेंगे, आपको टाइटल सिलेक्ट करेंगे श्री श्रीमती कुमारी जो भी है। उसके बाद आपको टाइटल सिलेक्ट करने में आपको सरनेम टाइप करेंगे माता या पिता का। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे फर्स्ट नेम टाइप करेंगे माता या पिता का। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को भी टाइप कर सकते हैं, अन्यथा इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। माता या पिता का आपको एड्रेस को फिल करेंगे कंप्लीट। आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपका ब्लॉक नंबर हो गया, विलेज नेम हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद आपको सिटी का नेम हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे कंट्री पर क्लिक करके कंट्री चॉइस करेंगे, जो भी आपका कंट्री है कंट्री पर क्लिक करके हम इंडिया से बिलोंग करते हैं इंडिया सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपको इंडिया टाइप करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी स्टेट है आपको स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है स्टेट को सिलेक्ट करना, आपको पिन कोड टाइप करेंगे, जो भी आपका पिन कोड है जिप कोड को ब्लैंक छोड़ेंगे, पिन कोड को टाइप कर देना है। सारे चीजें फिल करके आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना, आप यहाँ पे देख पा रहे एरिया कोड एओ टाइप, उसके बाद रेंज कोड एओ नॉन्ग आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपको पता नहीं तो क्या करेंगे, सबसे नीचे इंडियन सिटीजन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे इंडियन सिटीजन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो भी आपका स्टेट है आपको स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी स्टेट है आपको यहाँ पे आपका स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे। उसके बाद आपको सिटी सिलेक्ट करेंगे, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे मैंने गुवाहाटी सिलेक्ट किया। गुवाहाटी सिलेक्ट करना आपको जो भी आपका सजेशन बार में आ जाएगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे आपको एओ कोड एओ टाइप आपको खूब सारे दिखाई देगा, आपको क्या करेंगे खूब सारे मल्टीपल आपको दिखाई दे तो किसी भी एक में आपको यहाँ पे टिक मार करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटा सा आइकन में आपको टिक मार करेंगे, जैसे आप टिक मार करेंगे बस इतना करते ही जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे एरिया कोड एओ टाइप रेंज कोड एओ नॉन्ग आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपको सबसे नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ डेट ऑफ द प्रूफ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे आईडी प्रूफ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे आईडी प्रूफ पर क्लिक करेंगे, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ तो आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ राशन कार्ड। राशन कार्ड में जो भी आपका बच्चे का फोटो है तो आप आईडी प्रूफ में दे सकते हैं राशन कार्ड का फोटो कॉपी। एड्रेस प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे बच्चे का आधार कार्ड भी दे सकते हैं, घर का लाइट का बिल गैस कनेक्शन का बिल भी दे सकते हैं, 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, जो भी आपके पास है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे लाइट का बिल सिलेक्ट किया हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद आपको डेट ऑफ द प्रूफ के लिए जो भी आपका बच्चे का डेट ऑफ द प्रूफ है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर रहा हूँ बच्चे का, तो जो भी आपका पास है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको माता या पिता का नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा डिक्लेरेशन में। उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेटिव आपको यहाँ पे सिलेक्ट आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे सिलेक्ट आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको सबसे नीचे इसको डाउन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस का नेम टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे मैंने बोरगंग टाइप किया, आपको प्लेस का नेम टाइप करेंगे जहाँ से भी आपने फॉर्म को फिल किया, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट आइकन पे क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपको यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड का पहले आपने 4 डिजिट डाला था लास्ट का, अभी आपको फर्स्ट का 8 डिजिट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मेरे केस में मैं बिना आधार कार्ड से बना रहा हूं, इसलिए यहां पे देख पा रहे मैं आधार कार्ड मेंशन नहीं करूंगा। उसके बाद आपको जो भी आपका डिटेल्स आपने फिल किया सारे आपको यहां पे दिखाई देगा, आपको अच्छी तरह से जो भी आपको डिटेल को चेक कर लेना है। सबसे नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट प्रोसेस, सब कुछ सही लगता तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, कुछ मिस्टेक लगता तो एडिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पे देख पा रहे आपको पेमेंट करना होगा, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बिल्डर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट ऑथराइज बिल्डर्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो भी ऑनलाइन मेथड होगा आपको पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे देख पा रहे ऑनलाइन पेमेंट ऑथराइज बिल्डर्स पर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे नीचे आपको चार्जेस वगैरह दिखाई देगा, उसके बाद आपको सबसे नीचे आई एग्री पर टिक मार करेंगे। उसके बाद आपको सबसे नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। पे कंफर्म पे क्लिक करने में आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। इतना करते ही आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे गेटवे आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट क्यूआर कोड यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी मेथड से आपको 107 रुपया पेमेंट कर देना है।
इतना करते ही आपको यहाँ पे जेनरेट एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका फॉर्म आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इतना करते ही आप यहाँ पे जो भी आपका NSDL का जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसी एड्रेस पर आपको जो भी एप्लीकेशन को सेंड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे। सबसे नीचे इसको डाउन करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे PDF डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस PDF डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन होगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है, जो भी डेट मंथ है डाल के आपको ओपन पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। इतना करते इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको क्या करेंगे, आपको दोनों तरफ आपको बच्चे का फोटो चिपका देना है, पासपोर्ट साइज फोटो को आपको चिपका देना है दोनों तरफ। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपका बड़ा सा बॉक्स में आपको सिग्नेचर करना होगा, जो भी आपने पैन कार्ड बनाते टाइम जो भी आपने पेरेंट्स का या माता का पिता का डिटेल दिया था उसी का आपको यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपको सबसे नीचे वाली आपको यहाँ पे भी सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर दोनों पेज में करेंगे, सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली टॉप में आपको सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपको क्या करेंगे, इस फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया सारे डॉक्यूमेंट के साथ, उसके बाद जो भी आपने पेरेंट्स का आपने डिटेल डाला माता या पिता का, उसका भी एक आधार कार्ड फोटोकॉपी या तो आपका जो भी आपने वोटर आईडी कार्ड है जो माता पिता का कोई भी एक डॉक्यूमेंट के साथ इसके फॉर्म के साथ आपको अटैच करके NSDL के एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा, जैसे कि आपको ईमेल पर भी आपका एड्रेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो भी ईमेल पर आपका मेल आया होगा उसी में भी एड्रेस